हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टूडियो एनजीजी में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बेसिक्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इससे आपके सारे डाउट्स जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हमें क्या देखना होता है कि एक एक्स वाई लाइन होती है, ठीक है। और ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के लिए ही नहीं, ये बेसिक बिल्कुल आप अगर ये बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका तो ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, इन सब के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक एक्स वाई लाइन होती है, ठीक है। और ये एक्स वाई लाइन की एक खासियत होती है कि एक्स और वाई यहीं पे लिखा जाता है, ठीक है। आप इसके ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, इसको स्मॉल में नहीं लिख सकते, ये आपको कैपिटल में ही लिखना होता है। एक्स वाई एक लाइन होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है और वर्टिकल प्लेन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है कि यहाँ पे ये देखिए जैसे ये लाइन है तो ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और वर्टिकल प्लेन क्या होता है, ऊपर की तरफ। देखिए बेसिक बता रहा हूं, आप यहाँ पे समझिए, ध्यान से समझिए। ये क्या होता है कि आप कहीं पे भी देखिए, अगर टू डायमेंशनल कोई चीज है तो एक वर्टिकल होती है हाइट और उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल है, देखिए ये वर्टिकल ऊपर की तरफ और हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होता है कि उसको हम नीचे की तरफ शो करते हैं, किसको, हॉरिजॉन्टल को। इस तरीके से ये नीचे आ जाएगा खुल के, तो ये लाइन यहाँ पे हो जाएगी। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि वर्टिकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्टिकल प्लेन की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 20 mm, ठीक है, यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक की 40 mm डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में शो करेंगे तो किस तरीके से शो होगा, वो नीचे की तरफ 40 mm बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये यहाँ पे खुलता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इस तरीके से ये देखिए ये रखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, वर्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि हम देखिए जैसे हमें कोई चीज सामने से देखनी है तो हमें क्या करना होगा कि इसको हम खोल देते हैं, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको खोल दिया तो हमारा इस तरीके से हो गया। तो जो ये वाला बीच वाला आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमने क्या इसको सपोज कर लिया कि ये क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस थी वो ऊपर हो गई और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नीचे हो गई, देखिए इस तरीके से होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने शो किया था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या आते हैं कि यहाँ पे जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं आपको चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को यहाँ पे क्या बोलेंगे, अबव द HP and in front of BP, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, above the HP and behind the BP। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, below the HP and बिहाइंड द बीपी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ बीपी। तो ये चार कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके। इस जैसे मैथ्स में कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे इसको ये बोलते हैं। मैं एक पॉइंट ले लेता हूं जो क्या है कि 40 mm, ठीक है। 40 mm क्या है, एबव है एचपी से, और 20 mm क्या है, फ्रंट ऑफ बीपी है, ठीक है। इसको बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया कि कोऑर्डिनेट बना दी x और ये y, ठीक है। अब क्या बनाते हैं, 40 mm अबव एचपी है, तो अबव से एचपी से अबव अगर 40 mm है तो एचपी से अबव कैसे बनेगा, ये देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। ये देखिए 4 cm यहां से हमने क्या किया कि ऊपर की तरफ बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 40 mm एचपी से अबव हो गया, 20 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, मतलब कि 20 mm आगे की तरफ है, ठीक है। तो यहां से 20 mm आगे की तरफ बना देते हैं, ये देखिए यहाँ पे 20 mm, ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको हमने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे खोलना ही पड़ता है, एक कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ ले आना पड़ता है, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे। तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा, ये रफ डायग्राम है, जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वो क्या होगा, एक्स वाई लाइन और ऊपर की तरफ 40 mm और नीचे की तरफ 20 mm। तो ये देखिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसकी 40 mm डिस्टेंस हो गई और इसकी 20 mm डिस्टेंस हो गई। तो फाइनली ये हमारा क्या हो चुका है, बन चुका है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि फ्रंट व्यू क्या होगा और टॉप व्यू क्या होगा, ये आपको समझना जरूरी है। तो फ्रंट व्यू को मैं ये बताता हूँ कि किससे डिनोट करते हैं। तो फ्रंट व्यू को हमेशा कुछ भी लिखो, जैसे आप पॉइंट पी दिया हो तो उसको पी डैश बोलेंगे और स्मॉल, और उस टॉप व्यू को क्या बोलेंगे, पी पी बोलेंगे। उसी तरीके से जैसे कि पॉइंट ए दिया हुआ हो आपको तो ए डैश हो जाएगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या ए, ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फ्रंट व्यू क्या होगा, टॉप व्यू क्या होगा। तो फ्रंट व्यू वो होगा जो आपको सामने से दिखता है, ठीक है। तो जो आपको सामने से दिखता है वो फ्रंट व्यू होगा। टॉप व्यू क्या होगा कि जो ऊपर से दिखता है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जब ये पॉइंट यहाँ पे था तो आपको सामने से कौन सा पॉइंट दिख रहा था, फ्रंट व्यू में यहाँ से कौन सा पॉइंट दिख रहा था आपको, ये वाला, ठीक है। और ऊपर से जब हमने देखा तो आपको ये वाला पॉइंट यहां पे दिखेगा, बट थोड़ी डिस्टेंस में कौन सा पॉइंट दिखेगा, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रंट व्यू कौन सा हो गया, ये वाला, और टॉप व्यू कौन सा हो गया, ये वाला। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अबव द एचपी एंड बिहाइंड द बीपी। तो इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, देखिए 40 mm अबव द एचपी एंड 20 mm बिहाइंड द बीपी। तो उसी तरीके से अब इसमें कैसे बनेगा, अब ये देखिए फिर से एक बनाते हैं हम। तो इसमें कैसे बनेगा, ये क्या हो गया एक्स वाई। आपको हमेशा ये रफ डायग्राम है और ये मेन डायग्राम है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं सीधे पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है अबव द एचपी 40 mm, तो 40 mm पहले अबव एचपी बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा कि हमने 40 mm बना लिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि 20 mm बिहाइंड द बीपी। तो बीपी के बिहाइंड कितना बनाना है, 20 mm। तो हम इसके बैक साइड पे 20 mm बनाएंगे। किस तरीके से, ये देखिए हमने यहाँ पे 20 mm यहाँ बैक साइड पे बना लिया। ये हमारा क्या हो चुका है, तैयार। इसके बाद क्या होगा, ये रफ वर्क है। अब एक चीज मैंने आपको बताई है कि कुछ भी कैसा भी डायग्राम बनाए, मतलब एक चीज मैंने आपको बताई कि इसका डायग्राम बनाए तो हमेशा एक स्टेप क्या होता है, इसको खोलना पड़ता है। मैंने आपको एक पेपर के थ्रू भी बताया था। तो इसको क्या करना होगा कि इस तरीके से यहाँ पे करना होगा। तो अब इसका जो मेन डायग्राम है, मतलब कि जो राइट डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। देखिए 40 mm ऊपर तो बनेगा ही, उसके साथ साथ 20 mm भी बनेगा, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 mm, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 mm। और इसमें फ्रंट व्यू क्या होगा और टॉप व्यू क्या होगा कि आपको समझना है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू इसमें क्या होगा, ये वाला, क्योंकि फ्रंट व्यू से ये चीज दिखेगी। आप मेन डायग्राम में देखिए फ्रंट से ये दिखेगी, टॉप से ये दिखेगी। तो ये क्या हो जाएगा पी डैश और ये क्या हो जाएगा पी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद हम थर्ड लेते हैं। तो तीसरा है क्या है, बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द बीपी, ठीक है। तो यहाँ पे 40 mm इसमें भी ले लेते हैं और 20 mm यहाँ पे भी ले लेते हैं। इसके बाद हम रफ डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये हमने क्या किया कि एक एक्स वाई लाइन बना ली। एक्स वाई लाइन बनाने के बाद क्या किया कि वहां पे हमने क्वेश्चन हमें 40 mm दिया हुआ था, तो हम यहाँ 40 mm ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद क्या होगा, बोला है कि 40 mm के बाद 20 mm बिहाइंड। तो हम 20 mm इधर बना लेते हैं। ये देखिए हमने 20 mm बना लिया और ये 40 mm। अब यहाँ पे मैंने आपको फिर बताया कि ये हमें क्या करना होगा कि ऐसे ओपन करना होगा। तो जो इसका ओरिजिनल या जो इसका मेन डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एक्स और ये बाय, और 40 mm नीचे और 20 mm ऊपर। तो ये आपको हो चुका है क्या, ये आपका हो चुका है कंप्लीट। और इसमें फ्रंट व्यू क्या होगा और टॉप व्यू क्या होगा। तो फ्रंट व्यू ये होगा और टॉप व्यू ये होगा। ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ठीक है। ये 20 mm डिस्टेंस पर और ये 40 mm डिस्टेंस पर। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं। हम लास्ट में भी क्या था कि बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ बीपी। तो हम उसको भी क्या करते हैं कि 40 mm बिलो द एचपी कर लेते हैं और 20 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी कर लेते हैं। तो उसका रफ डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा, ये देखिए। ये देखिए 40 mm बिलो कर लेते हैं और 20 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी कर लेते हैं। तो ये हमारा 20 mm इधर हो गया और 40 mm यहां हो गया। इसके बाद क्या करना होगा कि ओपन करना ही पड़ता है इसको। और ओपन किस करने करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको भी ओपन करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई लाइन और यहाँ पे 40 mm और उसी में 20 mm, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा 40 mm यहाँ से यहाँ तक और यहां से यहां तक आपका 20 mm, और इसमें फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा ये, और टॉप व्यू ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इससे भी आगे के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से, तो ये आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगले वीडियोस के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेक इजी लर्न इजी।